अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कासिम बिन यासर फ्रॉम एनएम एसोसिएट्स। वेलकम टू एनएम एसोसिएट्स प्रॉपर्टी टूर। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक कनाल का घर लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी फ्रंट एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है। काफ़ी स्पेशियस घर है, बाहर से भी आपको काफ़ी स्पेशियस लग रहा होगा, अंदर से भी काफ़ी स्पेशियस है। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन में ब्लैक, वाइट और वुडन वर्क किया गया, साथ टाइल वर्क किया गया। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है, लेक सिटी मेन रिंग रोड इंटरचेंज के बिल्कुल पास है और मेन राउंड अबाउट के M3 के। इसकी फ्रंट एलिवेशन आपको फिर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले ग्रीन एरिया मिलता है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें आपको पीछे टाइल मिलती हैं ग्रे और स्किन कलर की, बहुत ही खूबसूरत। और उसके साथ आपको हाईलाइटिंग LED लाइट्स मिल जाती हैं। दरवाजे की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा, ग्रिल दरवाज़ा है, ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वॉल लैंप्स लगाए गए हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म के। अंदर चलते हैं। अंदर चलने से सबसे पहले आपको बहुत ही स्पेशियस गैरेज मिलता है, जिसमें इजीली 4 बड़ी गाड़ियां आ सकती हैं। इधर आपको एक और ग्रीन स्पेस मिलती है, बहुत ही खूबसूरत ग्रीन स्पेस, जिसको बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन किया गया है। फ्रंट एलिवेशन देखें तो बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन, कैनेडियन स्टाइल फ्रंट एलिवेशन रखी गई है इस घर की। बहुत ही खूबसूरत कलर टाइल्स यूज़ की गई हैं, ग्रे कलर की। और इधर से नीचे बेसमेंट के वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी गई है और सेटिंग एरिया भी बनाया गया है। घर को देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत घर है, काफ़ी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लैंप्स यूज़ किए गए हैं। डबल साइडेड एली है इसमें, काफ़ी स्पेशियस एली है। 50x90 इसकी लेंथ है और विथ है। चलें आपको इसका टूर कराते हैं। टूर कराने से पहले आपको दिखाएँ गैरेज। गैरेज में आप देख सकते हैं सामने बहुत ही खूबसूरत अल्लाह का नाम लिखा गया है और उस पर मोज़ेक डिज़ाइन किया गया है। इधर बहुत ही खूबसूरत ग्रिल के थ्रू डिज़ाइन बनाया गया और ऊपर फॉल सीलिंग की गई है वुड की। बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग और बहुत ही खूबसूरती से लाइट्स को मैनेज किया गया, बहुत ही खूबसूरत लाइट्स लगाई गई हैं, कहीं से भी आपको कोई चीज़ ख़राब नहीं नज़र आएगी। बहुत ही खूबसूरती से मैनेज किया गया है। इधर आपको एक थोड़ा सा स्टेप एरिया मिलता है, जिससे ऊपर जाके आप अंदर एंट्रेंस को एक्सेस कर सकते हैं। एंट्रेंस की डोर की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर वुड डोर हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी थिक डोर यूज़ किया गया है, बहुत ही खूबसूरत डोर है, सॉलिड वुड है, ऊपर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। एंट्रेंस की सबसे खूबसूरत बात, एंट्रेंस आप देख सकते हैं, कार्ड एंट्रेंस, फिंगरप्रिंट एंट्रेंस और की लॉक एंट्रेंस है। बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस है। एंट्रेंस में सबसे पहले अंदर एंटर हूँ तो आपको डबल हाइटेड लॉबी मिल जाती है, जिसमें आपको स्पायरल शैंडलियर मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत, और उसके ऊपर आपको वुड वर्क मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरती से मैनेज किया गया है। डोर देखें तो डोर फुल ऊपर तक आपको वुड वर्क ही नज़र आएगा, बहुत ही खूबसूरत सॉलिड वुड यूज़ की गई है, इम्पोर्टेड वुड यूज़ की गई है। स्विच बोर्ड का कलर्स बहुत खूबसूरती से मैच किया गया, काफ़ी प्रीमियम स्विच बोर्ड्स यूज़ किए गए हैं। साथ ही एंटर होते सबसे पहले आपको ब्लैक जो गाठें मिलती हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म की, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत कलर किया गया है। और डोर्स आपको दिखाएं तो काफ़ी खूबसूरत डोर्स बनाए गए हैं सॉलिड वुड के, जिसमें ब्लैक और वुड का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही खूबसूरत डोर हैंडल्स लगाए गए हैं। साथ ही आपको पाउडर रूम मिल जाता है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस पाउडर रूम है, काफ़ी खूबसूरत वैनिटी लगाई गई है, यूनिक तरीके से नलके को लगाया गया, काफ़ी खूबसूरत। इसके लेफ्ट साइड पर आपको ग्रैंड एंट्रेंस के थ्रू, जिसमें ग्लास और वुड वर्क किया गया, अगेन ब्लैक एंड वुड कलर कॉम्बिनेशन के साथ दरवाजे को बनाया गया, काफ़ी खूबसूरत दरवाज़ा, काफ़ी हैवी मटेरियल यूज़ किया गया है। डोर्स में काफ़ी खूबसूरत डोर हैंडल्स यूज़ किए गए हैं। अंदर एंटर हों तो सबसे पहले आपको वुडन स्टाइल टाइल्स मिल जाती हैं, काफ़ी खूबसूरत पूरे इसमें। और सामने आपको ड्राइंग एरिया में, ड्राइंग और डाइनिंग एरिया एक साथ है, काफ़ी खूबसूरती से मैनेज किया गया, काफ़ी स्पेशियस है। सामने आपको फॉर्म फिटिंग और उसके साथ आपको मिरर मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत टच देता है वॉल को। सामने आपको ग्रैंड विंडो मिल जाती है 8 फुट की लंबाई पे, बहुत ही खूबसूरत विंडो, जिससे आपको बाहर गार्डन व्यू मिलता है। आइए आपको एक पूरा लुक दिखाते हैं, आपको लुक दिखाते जाएं। इसके बाद आपको इसकी फॉल सीलिंग का बताते हैं। बहुत ही यूनिक फॉल सीलिंग की गई है, जिसमें फॉल सीलिंग के अंदर लाइट एडजस्टमेंट की गई है, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी हाईलाइटेड लगता है। और एंडिंग पे आप देख सकते हैं LED लाइट्स लगाई गई हैं, जो रूम को बहुत ही खूबसूरत लुक देती हैं। आप देख सकते हैं सामने अगेन बहुत ही 3D मॉड्यूल डिज़ाइन बनाया गया, नीचे आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ की गई है, पेबल्स यूज़ किए गए हैं, किसी चीज़ को छोड़ा नहीं गया, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। और इसके ऊपर LED लाइट्स लगाई गई हैं, जिसको बहुत ही खूबसूरत लुक देती हैं। इधर आपको अगेन विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन और लाइट के पासिंग थ्रू के लिए। इधर आपको
रैक्स मिल जाते हैं, ड्रॉज मिल जाते हैं और एरिया मिल जाता है जिसमें आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनको एक्सेस करने के लिए देर आर नो डोर हैंडल्स। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये अलमारियों की तरह खुल जाएंगे। काफ़ी खूबसूरती से काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लगाई गई हैं। कबर्ड्स भी इसी तरह एक्सेस हो सकती हैं। ऊपर आपको डिज़ाइन एरिया मिल जाता है काफ़ी खूबसूरत, जिधर आप चीज़ें आर्टिफैक्ट्स वगैरह रख सकते हैं। और ऊपर हाइलाइटिंग के लिए आपको लाइट्स मिल जाती हैं। ये घर विद फुल बेसमेंट है, बेसमेंट आपको बाद में विजिट कराते हैं। वुड वर्क इसमें बहुत ज़्यादा किया गया है। इधर आपको अगेन पेबल्स और डिज़ाइन एरिया मिल जाता है। इधर से आप टीवी लॉन्च की एंट्रेंस मिलती है जिसमें आपको डबल डोर मिल जाता है, साइड में मिरर मिल जाता है और काफ़ी खूबसूरत अगेन ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ वुड यूज़ की गई है। आप देखें हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज किया गया है। बेल्स, डीपी, सब चीज़ों को ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में रखा गया है। हर चीज़ का कलर कॉम्बिनेशन मैच किया गया है घर के साथ। अंदर एंटर हो तो आपको ग्रैंड टीवी लॉन्च एरिया मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत टीवी लॉन्च एरिया है। आइए आपको इसको फुल व्यू दिखाते हैं टीवी लॉन्च के साथ। किचन ओपन है, बहुत ही खूबसूरत घर बनाया गया है। मीडिया वॉल देखें तो बहुत ही खूबसूरत वुड वर्क के साथ मीडिया वॉल मिल जाती है। अगेन ब्लैक टच है और वुडन टच है। और नीचे आपको बहुत ही खूबसूरत कंसोल मिल जाता है। अगेन आप सारी अलमारियाँ देखेंगे उनको आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। और ऊपर अगेन हाईलाइटिंग के लिए LED लाइट्स लगाई गई हैं और फॉल सीलिंग में ब्लैक कलर और येलो कलर यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं येलो कलर की ट्यूबलाइट्स फॉल सीलिंग के अंदर एडजस्ट की गई हैं। इधर आपको थोड़ी सी सेपरेशन के लिए टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत विद वुडन टच। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत वुडन टच दिया गया है। इधर आपको किचन मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत ब्लैक टॉप्स के साथ किचन बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत टाइल्स बनाई गई हैं, स्मूथ टाइल्स। इधर आपको सिटिंग एरिया दिया गया बिल्कुल ही चूल्हे के साथ। इधर आप स्टूल्स रख के आप डिनर कर सकते हैं, आप लंच कर सकते हैं, आप टी टाइम कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरतली मेंटेन किया गया। इधर आपको रैक्स दिए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत SS ईडन का हुड लगाया गया है जिसको आप ऑपरेट कर सकते हैं इधर से। और स्टोव लगाया गया। हुड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं हुड को आप दोनों जगह से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत हुड है। किचन काफ़ी खूबसूरती से मेंटेन किया गया, बनाया गया है। आप देख सकते हैं किचन में काफ़ी रैक्स हैं, स्पेशियस किचन है। आपको माइक्रोवेव ओवन, ओवन की जगह दी गई है, फ्रिज की जगह दी गई है। ब्लैक एंड अगेन ग्रे टेक्सचर यूज़ किया गया है और कोई भी डोर हैंडल्स आपको नज़र नहीं आएगा। स्पेशियस रैक्स, काफ़ी खूबसूरत सिंक यूज़ किया गया है। सिंक के कलर कॉम्बिनेशन को भी ब्लैक रखा गया है। आप देख सकते हैं ब्लैक मिरर यूज़ किए गए हैं। इसके साथ ही आपको इधर से आप डर्टी किचन को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें आपको अगेन SS ईडन का हुड मिल जाता है। ये सेंसर ऑपरेटेड हुड है। इधर आपको बर्तन रखने के लिए जगह दी गई है, सिंक दिया गया है, वॉशिंग पर्पज़ के लिए मशीन के लिए जगह दी गई है। इधर से आप बैक एलवी को एक्सेस कर सकते हैं। इस डोर को देखें तो आप देख सकते हैं कैसा डोर है। आप काफ़ी खूबसूरत डोर बनाया गया है जिसमें डबल डोर आप इसको कह सकते हैं। हुड की बात की जाए तो हुड बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं। ये सेंसर ऑपरेटेड भी है और इसके अलावा इसको आप विद बटन्स भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये आगे आ जाएगा और आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एसेसरीज की बात की जाए तो इम्पोर्टेड एसेसरीज पूरे घर में यूज़ की गई हैं। ये आपका इंटरकॉम है और आपके बेल वगैरह का एरिया है। आप इधर से बाहर देख सकते हैं कौन आया है और इसके थ्रू आप डोर को एक्सेस कर सकते हैं। यह आपको लॉबी टाइप एरिया मिल जाता है जिसके थ्रू आप कमरों को एक्सेस कर सकते हैं। राइट साइड वाले कमरे में चलते हैं तो अगेन बहुत ही खूबसूरत वुडन टेक्सचर टाइल्स, बेड वॉल पे काफ़ी खूबसूरत ब्लैक कलर के डिज़ाइन, पीछे सिरेमिक डिज़ाइन सीधी लाइंस बनाई गई हैं, बहुत खूबसूरत फॉल सीलिंग काफ़ी खूबसूरत की गई है और जिस पे LED लाइट लगाई गई है हाईलाइटिंग पर्पज़ के लिए। मीडिया वॉल भी दी गई है, रैक्स और आपको ड्रॉज भी दिए गए हैं। मीडिया वॉल के पीछे बहुत ही खूबसूरत LED लाइट्स लगाई गई हैं। विंडो मिल जाती है आपको 8 फुट की, साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है जिसमें सबसे पहले आपको वार्डरोब एरिया मिलता है। प्रॉपर वार्डरोब्स बनाई गई हैं। इधर आपको बहुत ही खूबसूरत वैनिटी मिल जाती है, कस्टम मेड वैनिटी, बहुत खूबसूरत मिरर, बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशंस की टाइल, पोटा के वॉल हैंगिंग कमोड्स मिल जाते हैं, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। और इधर आपको इम्पोर्टेड वॉल हैंगिंग शावर मिल जाता है।
डोर्स काफ़ी खूबसूरत बनाए गए हैं, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत रखे गए हैं, सब चीज़ों को मैच किया गया है, मद्देनज़र रखा गया है, घर को बहुत ही प्रीमियम लुक और लग्जूरियस लुक देता है। सेकंड उसमें आए तो फुल टाइल्स यूज़ की गई हैं रूम में, बहुत ही खूबसूरत रूम है, आप देख सकते हैं। बेड वॉल में काफ़ी खूबसूरत टाइल्स यूज़ की गई हैं, प्रॉपर फुल टाइल्स यूज़ के पर बनाया गया है। पीछे LED लाइट्स लगाई गई हैं, ऊपर आपको फॉल सीलिंग और LED हाईलाइटिंग लाइट्स मिलती हैं, मीडिया वॉल मिलती है, अगेन रैक्स मिलते हैं, नीचे आपको मीडिया वॉल के साथ कंसोल मिल जाता है और LED लाइट्स मिल जाती हैं। आए आपको बेसमेंट की तरफ लेके चलते हैं, बेसमेंट दिखाते हैं इस घर की, काफ़ी स्पेशियस घर है। अब आप जब बेसमेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे बेसमेंट में LED लाइट्स लग रही हैं, कुछ देर में इंस्टॉल हो जाएंगी। वुडन सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, प्रॉपर काफ़ी खूबसूरत सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। बेसमेंट में सबसे पहले आपको एक ओपन एरिया मिल जाता है जिसमें आप सेटिंग वगैरह बना सकते हैं थोड़ी सी, साथ ही लेफ्ट साइड पर आपको स्टोर मिल जाता है जिधर आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। मगर आप देख सकते हैं कि स्टोर में भी प्रॉपर वुडन डोर यूज़ किया गया, किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इधर आपको थिएटर रूम मिल जाता है जिसका आप थिएटर रूम बना सकते हैं, मजलिस रूम बना सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत रूम है जिसमें डबल डोर दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी थिक वॉल बनाई गई हैं। ये आपको वेंटिलेशन के लिए एरिया मिल जाता है जो ऊपर तक ओपन है, सामने आपको डिज़ाइन मिल जाता है इस वॉल पे, काफ़ी खूबसूरत टाइल्स और उसके साथ ही आपको टाइल्स के साथ आपको आर्टिफिशियल ग्रास मिल जाती है, काफ़ी स्पेशियस है। ऊपर से थोड़ा छता गया और वुडवर्क किया गया, काफ़ी खूबसूरत लाइट्स यूज़ की गई हैं। अब आपको थिएटर रूम दिखाते हैं, काफ़ी खूबसूरत थिएटर या मीडिया रूम कह लें आपको। इधर आप देख सकते हैं वुडन वॉल्स लगाई गई हैं सारी और इसके अंदर 3D डिज़ाइन बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत, और एजेस पे LED लाइट्स लगाई गई हैं जो इसको बहुत ही खूबसूरत लुक देती हैं। सामने मीडिया वॉल, नीचे आपको कंसोल मिल जाता है, इधर आप थिएटर रूम बना सकते हैं, मजलिस रूम बना सकते हैं, या आप इसको एज ए कॉन्फ्रेंस रूम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हाईलाइटिंग कितनी अच्छी हो रही है लाइट्स के थ्रू, ऊपर आपको स्टारी स्काई की फीलिंग आ जाती है। बहुत ही खूबसूरत रूम को मैनेज किया गया, बहुत ही खूबसूरत आइडिया बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत स्टारी वॉल बनाई गई है। ऊपर सीढ़ियों में LED लाइट्स इंस्टॉल कर रहे हैं जो सेंसर ऑपरेटेड होंगी, जैसे आप स्टेप रखेंगे LED लाइट्स चल जाएंगी। आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके चलते हैं, अगेन आपको वुडन टेक्सचर की सीढ़ियाँ मिलेंगी, साथ ही आपको काफ़ी थिक शीशा मिलेगा जो कि एज ए रेलिंग काम कर रहा है। डबल हाइटेड लॉबी है इस घर की, आप देख सकते हैं, आप इधर से बहुत ही खूबसूरत स्पाइरल शैंडलियर को देख सकते हैं। सामने आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है इस घर का, जिसमें आपको थोड़ा लॉबी टाइप एरिया मिलता है। इधर आपको वार्डरोब एरिया मिल जाता है, इसको बाद में डिस्कवर करते हैं, पहले बेडरूम देखते हैं। काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है जिसकी बेड वॉल पे फुल टाइल्स लगाई गई हैं, ग्रे कलर की एंड ब्लैक कलर की, और पीछे थोड़ी सी जगह दी गई है जिसमें वुडन वर्क किया गया और LED लाइट्स लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं LED लाइट्स लगाई गई हैं। फिर सामने आपको मीडिया वॉल मिल जाती है काफ़ी खूबसूरत, जिसमें आपको LED लाइट्स, हाईलाइटिंग लाइट्स मिल जाती है, कंसोल मिल जाता है, ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाती है और LED हाईलाइटिंग लाइट्स मिल जाती हैं। इधर आपको छोटी सी बैल्कनी मिल जाती है और इधर आपको ग्रैंड बैल्कनी मिलती है, अगेन जिसमें काफ़ी स्पेशियस बैल्कनी है, वुडवर्क किया गया है ऊपर टॉप पे, बहुत ही खूबसूरत टाइल्स और वॉल हैंगिंग लैंप्स लगाया गया, पूरी जगह लाइट्स लगाई गई हैं, और इधर से आप अंदर के स्पाइरल चैंडलियर का व्यू भी ले सकते हैं। आगे वार्डरोब एरिया को डिस्कवर करते हैं, काफ़ी ग्रैंड वार्डरोब एरिया आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है, जूतों के लिए रैक बनाए गए हैं, कपड़ों के लिए अलमारियाँ बनाई गई हैं। इधर आपको क्या होता है, मेकअप की जगह दी गई है, और खूबसूरत बात यह है कि इसके पीछे आपको रैक्स मिल जाते हैं और ड्रॉज मिल जाते हैं, A+ क्वालिटी की वुड्स यूज़ की गई हैं। इधर आपको वॉशरूम मिल जाता है, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम आप देख सकते हैं, जिसमें आपको इधर बहुत ही खूबसूरत वैनिटी मिल जाती है, मिरर मिल जाता है, और आपको वॉल हैंगिंग शावर मिल जाता है, जैकूजी रख सकते हैं, पोटा का आपको कमोड मिल जाता है। आगे डिस्कवर करते हैं, तो आपको इधर TV लाउंज एरिया मिल जाता है, काफ़ी स्पेशियस है, जिसमें रैक्स, मीडिया वॉल बनाई गई है, काफ़ी खूबसूरत मीडिया वॉल बनाई गई है, फॉल सीलिंग की गई है,
हाईलाइटिंग लाइट्स लगाई गई हैं। इधर आपको एक छोटा सा सेटिंग एरिया दिया गया है जिसमें सेटिंग बनाई गई है, काफ़ी खूबसूरत टाइल्स यूज़ किए गए हैं, आर्टिफिशियल ग्लास यूज़ किए गए हैं और पीछे पौधे लगाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक देते हुए। इधर आपको छोटा सा स्मॉल किचन मिल जाता है जिसमें आपको ऐसे सीडन का हुड मिल जाता है, आपको इधर क्या होता है स्टोव मिल जाता है, काफ़ी रैक्स मिल जाते हैं और इधर आपको किचन की जगह से छोटी सी बालकनी मिल जाती है, आप देख सकते हैं। सामने आपको बेडरूम मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत बेडरूम है जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे वुडन टाइल्स, स्ट्रक्चर टाइल्स यूज़ की गई हैं, काफ़ी यूनिक मीडिया वॉल बना के दी गई है। इधर आपको विंडो मिल जाती है, ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाती है सेम टेक्सचर की, वार्डरोब एरिया मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत वार्डरोब एरिया आप देख सकते हैं। और फिर आपको वॉशरूम मिल जाता है जिसमें आपको ए प्लस एसेसरीज मिलती है, वैनिटी मिल जाती है, LED हाईलाइटिंग मिरर मिल जाता है, वॉल हैंगिंग, आपको शावर एरिया मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन स्टाइल्स के यूज़ किए गए हैं घर में। साथ ही आपको एक और अटैच बेडरूम मिल जाता है जिसमें बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर की टाइल्स यूज़ की गई हैं, अगेन आपको मीडिया वॉल दी गई है। इधर आपको लाइट के वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, सेपरेट वार्डरोब एरिया दिया गया है, काफ़ी स्पेशियस वार्डरोब एरिया। साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है जिसमें अगेन वॉल हैंगिंग शावर लगाया गया है, बोटा की एक्सेसरीज यूज़ की गई है, वैनिटी बनाई गई है और मिरर लगाया गया है LED। ऑल टू ऑल घर में सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं, A+ क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की गई हैं, किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत घर है। प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है, लेक सिटी रिंग रोड इंटरचेंज से सिर्फ 3 से 4 मिनट की ड्राइव के लिए दूर है, मेन राउंड अबाउट से 1 मिनट के लिए दूर है, पार्क इसको बिल्कुल ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, मॉल लेक सिटी मॉल और ग्रैंड जामिया मस्जिद को आप ईजिली एक्सेस कर सकते हैं 2-3 मिनट की ड्राइव पर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो और ये घर पसंद आया होगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।